तो दोस्तों की हाल चाल, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। दोस्तों मैं संजय ग्रोवर फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना 2 BHK का फ्लैट लेके। तो बहुत खूबसूरत है, मेट्रो की कनेक्टिविटी के पास है। दोस्तों 3 BHK की वीडियो काफी डाल रहे थे, लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी। एक तो साइज बड़ा चाहिए और दाम छोटा चाहिए। दाम छोटा तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि साइज बड़ा हो जाए तो, लेकिन फिर भी हमने 65 से 70 BHK की प्रॉपर्टी आपके लिए चूज की, जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर, जिसके अंदर कार पार्किंग भी है और लिफ्ट भी है। दोस्तों उत्तम नगर के नवादा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास पड़ती है दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया एरिया। और मेट्रो से इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो मुश्किल से दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी है 300 मीटर की, जो आपको बहुत पसंद आएगी और रिजनेबल रेट में मिलेगी। क्या आ रहा है सिचुएशन कि लोग कह रहे हैं 50-55 गज का संजय जी फ्लैट दे रहे हो, जो हमें छोटा पड़ रहा है। थोड़ा सा 55 गज से ऊपर जाके हमें 65 से 70 गज का फ्लैट दिखाएं ताकि वो हमारे रेट के अंदर भी हो। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है, ये आपको पूरा दिखाऊंगा ना व्यू इसका, आपको अपार्टमेंट वाली लुक आएगी जो कि बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको। आपको पूरा माहौल मिलेगा, आपको पूरी सोसाइटी मिलेगी, आपको हर चीज मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए 2 BHK के फ्लैट में, कार पार्किंग और लिफ्ट के साथ। जैसे मैं खड़ा हूँ ड्राइंग रूम के अंदर दोस्तों, ड्राइंग रूम का साइज की मेंशन करूँ तो लगभग जैसे है 15 फुट को एक लगभग 11.5 फुट का, जो काफी स्पेशियस होता है। वुडन का काफी बेहतरीन काम किया हुआ दोस्तों, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सबसे बढ़िया है कि बजट के अंदर है। आप अगर इस वीडियो को दोस्तों देख रहे हो ना तो कॉल मुझे जरूर करना, अगर आपने उत्तम नगर के अंदर फ्लैट लेने का मन बना रखा है तो। मैं आपसे वादा करता हूँ ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसमें कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि पसंद नहीं आने वाला दोस्तों, मेक श्योर आपको पसंद आएगी दोस्तों। तो जैसे कि हम ड्राइंग रूम की दोस्तों बात कर रहे थे, ड्राइंग रूम का एरिया आपने देखा, जैसे पीछे मैं खड़ा था उसमें हमने काम किया हुआ था। ये देखिए पूरा हमने वुडन का पैनल बनाया हुआ है और तो साथ में ये होम डेकोर की चीजें रखने के लिए अपनी जो जगह बनाई हुई है, आप अपने होम डेकोर की चीजें रख सकते हो दोस्तों। ये पूरा हमारी एंट्रेंस है, एंट्रेंस आए तो पूरा ये सारा ड्राइंग रूम आ गया। ये हमारा कॉमन वॉशरूम एरिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं अभी। ये देखिए इसमें सारी चीजें लगनी है, गीजर लगेगा, डाइवर्टर लगेगा, सीट लगेगी, टैप्स लगेगी, शावर लगेगी, जो कि बाथरूम एक्सेसरीज में होती है, और सारी हाई क्वालिटी लगेगी इसमें। हमने बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अब कॉमन बाथरूम मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ की किचन की तरफ। किचन के आउटसाइड भी हमने पूरा इंटीरियर का वर्क किया, या जैसे कि मैंने पैनल के साथ दिखाई थी कि होम डेकोर की चीजें लगा सकते हैं दोस्तों, तो किचन के बाहर भी ऐसे कुछ चीजें लगा सकते हैं जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। यहाँ किचन का साइज देखिए बहुत ही खूबसूरत है, तो एल टाइप की किचन बनाई हुई है, ऊपर चिमनी लगी हुई है दोस्तों वाइन कलर, और हमने ऊपर जो क्रीम कलर का शेड का इसमें यूज किया है माइके का। ये देखिए फ्रिज की प्रॉपरली जगह जो एक कोने में होना चाहिए, या वेंटिलेशन के दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं फ्रिज की प्रॉपर जगह है, साइज बड़ा सा बड़ा लगा सकते हो। पूरा वुडन का फ्रेम आउटिंग में हमने दिया हुआ, ऊपर से हमारी LED की फोकस लाइटें लगी हुई हैं। आराम से किचन 2-3 लेडीज खड़ी हुई काम कर सकती हैं, टैप आपको लगी दोस्तों मिलेंगी। ये था पूरा कॉमन एरिया जो होता है, जो ड्राइंग रूम का एरिया होता है और किचन का एरिया होता है और बाथरूम का एरिया होता है, जो आसपास होता है वो मैंने दिखा दिया। अब रहते हैं 2 बेडरूम। बेडरूम में जाने के से पहले मैं इस जो फ्लोर की आपको मैं फॉल सीलिंग और ऊपर जो चीजें लगी है बताना भूल गया। खूबसूरत फॉल सीलिंग के साथ झूमर लगाए हुए हमने, दोनों फैन आपको लगे हुए मिलेंगे। अपनी तरफ से ड्राइंग रूम के इंटीरियर में दोस्तों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जो चीजें होनी चाहिए 65 से 70 गज के फ्लैट में हमने वो सारी चीजें दी हैं, आपको पसंद आएंगी। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों पहले बेडरूम के अंदर, और पहले बेडरूम के अंदर जाने के बाद मैं आपको बालकनी से दिखाऊंगा कैसे अपार्टमेंट वाली लुक आती है, जो सोसाइटी वाली लुक आती है मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आइए दोस्तों, ये है मेरा पहला बेडरूम। तो हम आ चुके हैं पहले बेडरूम के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका साइज बहुत बढ़िया है। वीडियो में पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की। ऐसे लगभग है 12 फुट, ऐसे लगभग है 10 फुट, 10x12 का बेडरूम है, बहुत शानदार है। और इसमें पूरी दोनों साइड में अलमीरा दी हुई है, यहाँ पर आपका बेड लग जाएगा और बेड के ऊपर ये चीज आएगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। आपको एक्स्ट्रा वॉल हैंगिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इंटीरियर करके दिया है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। जैसा कि ऊपर दिख रहे फॉल सीलिंग फैंस इसमें भी लगे हुए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है हमने। और यहाँ पर आपका विंडो एसी लग जाएगा, यहाँ पर ग्रिल लगी हुई मिलेगी, ग्रिल अभी लगी नहीं है दोस्तों, या भी कुछ चीजें एक दो पेंडिंग है आपको पूरी फ्लैट में वो हम देंगे। कोई भी चीजें फिर भी डाउट्स हो आप मुझे फोन पर क्लियर कर सकते हो दोस्तों। अब जा रहा हूँ बालकनी सेक्शन में, ये है बालकनी सेक्शन, ये देखिए ये पूरी बालकनी है, काफी स्पेशियस है। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपको बोला था सोसाइटी वाली लुक आएगी। ये आमने सामने फ्लैट बने हुए हैं और ये पर कॉमन एरिया है, ये नीचे पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं। आपको सब चीजें यहाँ पर पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीजें हम आपको देने वाले हैं। पूरी तरीके से हमने इसको वो लुक दिया है सोसाइटी वाली मेट्रो स्टेशन के पास में, बहुत ही बढ़िया बजट के अंदर दोस्तों। यहाँ पर काफी सारे फ्लैट है, आपकी सोसाइटी बन जाएगी, गार्ड है और चीजें हैं, सब चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों।
अब मैं जा रहा हूं दोस्तों सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये दोनों बेडरूम साथ साथ में हैं, जो कि बहुत लोग डिमांड करते हैं कि आगे पीछे नहीं होने चाहिए, दोनों बिल्कुल बालकनी की तरफ होने चाहिए। हमने बाहर जो पॉलिश करी है सारी डीको करी है और बहुत अच्छी लग रही है, आपको पूरा वुडन में पॉलिश का काम मिलेगा। अब है दोस्तों ये मेरा सेकंड बेडरूम, यहाँ पर खड़े हैं हम सेकंड बेडरूम के अंदर। इसका साइज है दोस्तों 10.5x10। तो दोस्तों गर्मी भी बहुत हो रही है, आप देख रहे हैं मुझे पसीना आ रहा है, बस आपके लिए सोलो दोस्तों मैं करता रहता हूँ, आप मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर जाके मुझे बताइएगा आपको चीजें कैसे लग रही है। मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने इसके अंदर पैनलिंग वुडन का सारा बना के इसके अंदर हमने पीयू पॉलिश की है, ग्रे और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया है पीयू पॉलिश के साथ। यहाँ पर आपका टीवी लगेगा, टीवी लगने के बाद जो इसकी लुक आएगी ना स्क्वायर वाली बिल्कुल वो जबरदस्त आएगी, उस चीज को हमने देखते हुए स्पेशल जो चीज पहले एक्सपेरिमेंट करके फिर यहाँ पर हमने डिजाइन किया। दोस्तों मेरे पीछे आप विंडो देख ही रहे हैं, जैसा बालकनी में खड़े थे पीछे मैंने सोसाइटी टाइप का सारा यहाँ पर लुक दिखाया था, ऊपर विंडो ऐसी लग जाएगा। ये है अटैच बाथरूम, कॉमन वॉशरूम दिखा दिया था, ये भी काफी स्पेशियस है दोस्तों, ग्रे और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में हमने टाइल लगाई हुई है, सारी चीजें टैप सारा आपको यहाँ पर लगी हुई मिलेंगी। डबल आपको हमने अलमीरा वहां पे दी थी, एक अलमीरा यहाँ पे भी दी है, 2 BHK में मैक्सिमम लोग थे एक अलमीरा देते हैं, लेकिन हमने लगभग ट्रिपल अलमीरा दी है। उसमें जो अलमीरा थी वो साइड बाई साइड ही बीच में बैठता, और इसमें जो अलमीरा दिया हमने डबल स्लाइडिंग अलमीरा दिया है और यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है दोस्तों, 65 गज का एरिया है ऑन पेपर, तो आपको पसंद आएगा, बहुत खूबसूरत फ्लैट है ये। इसके अगर मैं लोन की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपका लोन 95% तक हो जाएगा। पहले तो डाउट होता है 90 होगा, 95 होगा, 80 होगा, मैं इस पे बता रहा हूँ इसमें आपका 95% तक लोन हो जाएगा। आपने मुझे 1.25 लाख रुपए के आसपास या 1.5 लाख रुपए आपके पास एडवांस बनी देनी है, बाकी का सारा अमाउंट आपका बैंक से आ जाएगा। और भी कोई क्वारी जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे जब मर्जी फोन कर सकते हैं, 27 मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपसे बात करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, मैं आपके साथ बना रहूंगा दोस्तों। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।